पिलामाने तुम मानक स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम आरंभ करवा तुम दशम श्रेणीर नुआ एक टॉपिक गोटे पोएम पोएट्री से कविताटर नाम होची विलेज सॉन्ग। या को लिखिंट सरोजिनी नायडू। तो सर्वप्रथमे आम देखिदबा एक कवितार अबाउट दि पोएट जोटा अच्छे लेखक कवि परिचय जोटा अच्छे लेखक नुह कवि परिचय जोटा अच्छे सहीटा आगे आम देखिदबा। तो देखिदबा अबाउट दि पोएट पोएट विषय आम आलोचना करदबा। पोएट तो आम अच्छा सरोजिनी नायडू तेनाली विषय आम देखिदबा तक विषय कौन दिखाई। देख सरोजिनी नायडू 1879 टू 1949 वाज ए चाइल्ड प्रोडिगी। सरोजिनी नायडू वाज ए चाइल्ड प्रोडिगी। चाइल्ड माने तो जान तुम्हें शिशु। प्रोडिगी माने कौन देख प्रोडिगी माने देख चाइल्ड प्रोडिगी। प्रोडिगी माने होची विस्मय। प्रोडिगी माने होची विस्मय असाधारण गुण थिबा व्यक्ति। असाधारण गुण थिबा व्यक्ति। एठी तो शिशु आमे पढ़ुछु कहाँ को विषय सरोजिनी नायडू को विषय। सरोजिनी नायडू होछन्ते जने चाइल्ड प्रोडिगी शिशु प्रतिभा शिशु विस्मय। ए कथाटा तुम्हें जानिछ शिशु विस्मय छोट बेलू ही माने बहुत असाधारण गुण थी। तुम्हें मैंने तो मन रखी पाने जिते बड़े 13 वर्ष होता बापा किसी अंक कषाक देकर रूम रे बंद करदे से पिलार अंक कषार विशेष मन ना कि बेस आग्रह अच्छे लेखालेखि कविता लेखालेखि कर बेस आग्रह अच्छे तेणु से कौन कले से अंक तो कले ना से लेखि पकड़े गोटे कविता 13 वर्ष बयस 1300 धाड़ी गोटे कविता से लेखि पकड़े यहाँ से इंग्राजी यहाँ तर गोटे माने सरोजिनी नायडू परिचय गोटे यहाँ दिग बामें एमती भाव में परिचय प्रदान कर 1300 धाड़ी ना 13 वर्ष बयस 1300 धाड़ी कविता लिखी थे सीटा पे इंग्राजी एमती कहला मैंने आम बुझी क्या बुझी सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को आम बुझी 13 वर्ष बयस 1300 धाड़ी कविता तेणु यहाँ गोटे विशेष कौन विशेष गुण विशेष प्रतिभा तेणु चाइल्ड प्रोडिगी शिशु विस्मय विस्मय शिशु असाधारण गुण थिबा शिशु। फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर तुम्हें जानिछ स्वाधीनता संग्रामी। तापर हैला एंड पोएट एवं कवि। कवि मध्य से थिले। सी वाज बोर्न इन हैदराबाद ऑन February 13, 1879। ताले से कौटी जन्मग्रहण करथिले हैदराबाद रे। कौटी जन्मग्रहण करथिले हैदराबाद से जन्मग्रहण करथिले हैदराबाद रे। केबे जन्मग्रहण करथिले 13 फेब्रुआरी। 13 माने 13 फेब्रुआरी माने 1879 मसीहा। 13 फेब्रुआरी 1879 जन्म। सी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। राइटर माने लेखक तुम्हें जान लेखक कवि तो यही गोटे गुण दिखाई गोटे गुण अच्छे प्रोलिफिक। देख प्रोलिफिक प्रोलिफिक माने हूँ बहु गुण थिबा व्यक्ति। प्रोलिफिक माने बहु गुण बा बहु प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत गुड़ाए गुण अच्छे विभिन्न प्रकार गुण अच्छे आम कौच प्रोलिफिक विभिन्न गुण थिबा विभिन्न गुण संपन्न व्यक्ति आम कौ प्रोलिफिक तेणु से होती जड़े प्रोलिफिक राइटर मल्टी टैलेंटेड विभिन्न रकम माने लेखा माने विभिन्न प्रकार लेखा थाए तेणु कहगला ए प्रोलिफिक राइटर। सी गेव अप हर लिटरेरी करियर टू जॉइन दि फ्री
फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी। फ्रीडम स्ट्रगल माने जाइलो स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम। तो स्वाधीनता संग्राम रे जोग देबा पई से कोन कले तांकर लिटरेरी करियर जोंटा थिला। लिटरेरी लिटरेरी माने होची साहित्यिक, साहित्य संबंधी जोटा साहित्यिक लेखक संबंधी जोटा तांकर से लिटरेरी करियर। करियर माने होची कार्यकाल, करियर को कार्यकाल भी कहा जाउची आ करियर को कोन कहा जाउची वृत्ति भी कहा जाउची। से लेखा लेखी करथिले त सेटा होला तांकर वृत्ति। तेणु से तांकर लिटरेरी करियर बा लेखा लेखी करिवार तांकर जो वृत्ति थिला काम थिला सेटा को से गिव अप। गिव अप माने तुम्हें जानिथो पिला माने छाडी देबा सब दिन पय गोटे जिंस छाडी देबा। गिव अप, गिव अप होची गोटे फ्रेजल वर्ब। गिव अप होची गोटे फ्रेजल वर्ब। तुमर जेतेड फ्रेजल वर्ब पढा हबो सेते बेरे तुम्हें जानिबो गिव अप माने फ्रेजल वर्ब। त्याग करिवार, त्याग करिवार जे कोन से जिंस को सब दिन पय त्याग करियो बा ताके कह जाउची गिव अप। ही गिव अप ड्रिंकिंग एमे अंति हम कहउछु से मद पीबा छाडी देला। ही गिव अप स्मोकिंग से बीडी सिगरेट पीबा छाडी देला एमते आमे कहिबा। त से की गिव अप करथिले तांकर लिटरेरी करियर, तांकर साहित्यिक लेखक तांकर संबंधे जो वृत्ति थिला सेटा को छाडी देथिले कोन पय ना स्वाधीनता संग्राम रे जोग देबा पय। किए स्वाधीनता संग्राम रे नेतृत्व नउथिले महात्मा गांधी। लेड लीड रो होईची लेड, लीड माने लीडर रो नेतृत्व नबा, लीड माने नेतृत्व नबा से लीड रो फर्स्ट टेंस होईची लेड। तार से जे स्वाधीनता संग्राम रे से जो जोग देले से स्वाधीनता संग्राम रो नेतृत्व किए नउथिले महात्मा गांधी। आमर जातिर पिता महात्मा गांधी से स्वाधीनता संग्राम रो लीडिंग नउथिले लीडर थिले। तेणु से स्वाधीनता संग्राम रे से जॉब देले सेथि पई से तांकर लिटरेरी करियर को मध्य गिव अप करथिले। सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा आमर जातीय कांग्रेस जोटा थिला, जातीय कांग्रेस जोटा गोटे आमर थिला दल, सेई दलर प्रेसिडेंट बा सभापति हेबारे से थिले प्रथम महिला। तार जातीय कांग्रेस रो सभानेत्री रो माने जातीय कांग्रेस सभापति हेबार प्रथम नारी किए सरोजिनी नायडू। तेणु से जातीय कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट थिले एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्यर गवर्नर, गवर्नर माने तुम्हें जानिच राज्यपाल। उत्तर प्रदेश राज्यर प्रथम महिला राज्यपाल मध्य से हेइ पारिथिले। तेणु एमती तांकर करियर लेखालेखी को छाड़ी करी से स्वाधीनता रे जोग देबा संगे संगे से राजनीति रे मध्य सक्रिय अंशग्रहण करथिले। सी वाज पॉपुलरली नोन एज दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एटा तुम्हें जानिछ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारतर बुलबुल, तांको भारतर बुलबुल बोली कहा जाए। भारतर बुलबुल तांको गोटे आख्या दिया जाइछ भारतर बुलबुल तांको काहे के आख्या दिया जाइछ सेटा तुम आगरो पढ़ी थबो। से खूब सुंदर कविता लेखुथिले ता सहित खूब सुंदर ललित कंठ रे सुमधुर कंठ रे आवृत्ति मध्य करि पारुथिले। तेणु करि तांको कहा जाउछि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारतर बुलबुल। The poem Village Song appeared in her book titled The Golden Threshold. तांकर गोटे बही अछि The Golden Threshold, The Golden Threshold, Golden Threshold सेइ बही रो उद्धृत करा जाइछि कोटा Village Song गीत। भिलेज संगीत कविता जोटा आम पढ़ा से कविता टी कौ बही रु उद्धृत कौठ गणा जाइए ना दि गोल्डेन थ्रेस हल्ड। गोल्ड गोल्ड मान सुना, गोल्डेन मान सुनेली सुनार तैयारी। थ्रेस हल्ड, थ्रेस हल्ड मान देख पाने थ्रेस हल्ड को कौन कह जा द्वार बंध। आमर द्वार बंध थाए ना
आम कौच एरुंडी द्वार बंध आम द्वार जो सीमाटा जो काठ बा लुहार जो बंध रोच द्वार बंध गोल्डेन थ्रेसहोल्ड माने होचे से द्वार बंध तांकर गोटे कविता संकलन बही गोटे थिला से बहीर बहुत गुडा कविता माने स्थानिक होइतिला से बहीर नाम होचे दि गोल्डेन थ्रेसहोल्ड से कविता संकलन रो एई कविता की आमर विलेज सम प्रेजेंट पोयम जोटा आमर होचे जोटा आमे आलोचना करूचु सेइटा से कविता रो उद्धृत करा जायछि से कविता जोटा गोल्डेन थ्रेस होल्ड से फास्ट पब्लीश्ड बाय डोडो प्रेस लंडन 1905 1905 मसीह डोडो प्रेस बोले गोटे थी लंडन रे से प्रेस द्वारा प्रथम कौन पब्लीश करा जाइथिला प्रकाश करा जाइथिला सी पास्ड अवे इन 1949 1949 मसीह से पास अवे माने मृत्युबरण करवा मृत्युबरण करवा मृत्युबरण कर 1949 से मृत्युबरण करते तेना स्वाधीनता संग्राम से सक्रिय भाव में अंशग्रहण करते आम देश स्वाधीनता प्राप्त कर 1947 मसीह तेणु स्वाधीनतार स्वाद अवश्य से अल्प किसी दिन जाखी स्वाधीनता देश आम स्वाधीनता हासिल कलापर से 1949 मसीह शेष निश्वास त्याग करते तेनालीटा थी आमर अबाउट दि पोएट आम जो पोएम रोच प्रेजेंट पोएम भिलेज सॉन्ग तार अबाउट दि पोएट तो मुझे भावुची अबाउट द पोएट जो आम आलोचना कले तार सब जन्म मृत्यु एगुटा मन रखे सर्ट क्वेश्चन आसपे एमती भी प्रश्न आसपे ए भिलेज सॉन्ग कविता के कौ बही उद्धृत कर दि गोल्डन थ्रेसहोल्ड रु तांकर जन्म केबे तांकर मृत्यु केबे सरोजिनी नाइटिंग को कौन कह कौ उपाधि दि जाए कौ आख्या दि जाए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू इज रिगार्डेड एज डेस हु इज रिगार्डेड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये जान थो तुम छोट बलु तुम पढ़ु भारत बुलबुल सरोजिनी नायडू धन्यवाद।